सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम सभी लोग क्लास 12th के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं 2023 और 24 के सिलेबस के हिसाब से। दोस्तों, आप लोगों को ये चीज़ तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगी कि क्लास 12th के अंदर जो बच्चे NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स को डिलीट करा गया है और नए टॉपिक्स को ऐड करा गया है। कुछ चैप्टर के नंबर को हेर फेर करा गया है। तो ज़्यादा डिटेल में अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर वेरीफाई ज़रूर करिएगा। बट जो बच्चे क्लास 12th के अंदर है और UPSC के किसी और की भी तैयारी कर रहे हैं, और अगर उनका ये टॉपिक है अरब स्प्रिंग के बारे में कि अरब स्प्रिंग है क्या, तो उससे रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। हाल फिलहाल मैं आपको बता दूँ, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी जो हमारा शीत युद्ध वाला चैप्टर था, जिसे हम कोल्ड वॉर बोलते हैं, वो चैप्टर हट के पहला चैप्टर द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी हो गया है। और एंड ऑफ बायोपोलैरिटी के अंदर जो आपको चैप्टर देखने को मिलेगा वो दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में था। और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि 1991 के अंदर काफ़ी हद तक USSR हो जाता है ख़त्म और दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री बन जाती है। कौन सी दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री बन जाती है? आपकी USA। तो दोस्तों, यहाँ तक तो NCERT के अंदर दिया हुआ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी वाला चैप्टर नेम सेम है, बट ऐसे नए टॉपिक को ऐड करा गया है जो आपको अलग से देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मिडल ईस्ट क्राइसिस के बारे में, यानी कि अफगानिस्तान वॉर से रिलेटेड भी आपसे NCERT में पूछा हुआ है। मतलब आपको NCERT में लिखा नहीं है, बट नए टॉपिक ऐड हुए हैं। तो जो मैंने सबसे पहले वीडियो लेक्चर सीरीज ली थी तो मैंने उसमें बताया था। उसके बाद गल्फ वॉर से रिलेटेड है, गल्फ वॉर क्या है, प्रथम खाड़ी युद्ध। एंड देन उसके बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटराइजेशन, CIS एंड द 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग, यानी कि ये वाला टॉपिक भी जो है दोस्तों वो बिल्कुल नया है, फ्रेश है। और अरब स्प्रिंग है क्या, इसके बारे में इसमें डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो आई होप दैट आपने सबसे पहले तो पहला चैप्टर समझ लिया होगा पूरी तरीके से। अगर पहला चैप्टर नहीं समझा है तो ऑफकोर्स ये टॉपिक फिर आपको पढ़ने का फ़ायदा नहीं। पहले आप पूरा चैप्टर समझिए, पूरा चैप्टर पढ़िए, और पढ़ने के बाद फिर आपको ये रियलाइज़ होगा कि असल में USSR टूटा, USSR अगर ख़त्म हुआ तो उसके ख़त्म होने के कारण क्या थे। उसके बाद फिर ये अरब स्प्रिंग का टॉपिक इस चैप्टर के अंदर क्यों डाल दिया गया है, उसके बाद गल्फ वॉर का टॉपिक इस चैप्टर के अंदर क्यों डाल दिया गया, अफगानिस्तान का जो जिसे हम देतांत का टाइम पीरियड बोलते हैं NCERT में बड़ा ही छोटे से लेवल पे से समझाने की कोशिश करी गई है, वो टॉपिक क्यों इसमें ऐड कर दिया गया है। सो वो रीज़न है, कोई नहीं, हाल फिलहाल आपको समझ में आना चाहिए था तो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया। क्लास 12th के बच्चे हैं, अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स हम 2023 और 24 के हिसाब से दोनों बुक को कवर कर रहे हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक आपको दे रखा है हमने। चलिए सो शुरू करते हैं। मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देश, मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका, अगर आप देखें तो चैप्टर की शुरुआत में भी मिडल ईस्ट क्राइसिस के बारे में था, तो ये मध्य एशिया वाले देश ही हैं जिनके साथ क्राइसिस हो रहे हैं। अगर आप मैप में थोड़ा सा नज़र डालें तो मैंने अरब स्प्रिंग से संबंधित देशों के नाम बना रखे हैं, और यहाँ पर अगर आप मैप में देखें तो मैप में आपको यहाँ पे भी दिखाई दे जाएगा लीबिया, उसके बाद सीरिया एंड यमन, ये वो है जहाँ पे रेवोल्यूशनरी वॉर हुए, और उसकी वजह से ये थोड़े से डार्क ब्राउन वाले जो प्लेसेस हैं ये वो जगह है जहाँ पे ऑफकोर्स क्या कहते हैं इसका कहीं ना कहीं छुटपुट असर जो है वो देखने को मिला। आप लोगों ने 9th क्लास में ना एक डायलॉग सुना होगा, डायलॉग ये है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुखाम होता है, ये क्लास 9th में था। तो सेम ऐसा ही अरब स्प्रिंग की चिंगारी अगर लीबिया से शुरू हुई थी तो लीबिया से इसके आसपास के देशों पे क्या प्रभाव पड़ा, वो भी सेम टू सेम लगभग छोटा एग्जाम्पल फ्रांस से संबंधित है। मतलब जब लीबिया के अंदर क्रांति होती है तो आसपास के मिडल ईस्ट, एशिया के और उसके बाद अफ्रीका की कंट्रियों में भी यही क्रांति हमें देखने को मिलती है। अब क्रांति की शुरुआत कहीं से तो होगी, कहीं देखो USSR के अंदर क्रांति की शुरुआत एक दिन में नहीं हुई, 45 साल लगे लोगों को समझने में कि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ख़राब है, या मैं कह सकता हूँ थोड़ी सी वीक पड़ रही है। ऐसे ही इतने सालों से इन कंट्रियों के अंदर शासन किस चीज़ का चल रहा था, कहीं पर राजा का शासन चल रहा था और कहीं पर सैनिक का शासन चल रहा था। अब अरब स्प्रिंग की शुरुआत कैसे होती है, कहानी कुछ इस प्रकार है। द अरब स्प्रिंग वॉज अ सीरियस ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट
अपराइजिंग एंड आर्म्ड रिबिलियन दैट स्प्रेड अक्रॉस द मच ऑफ अरब वर्ल्ड इन द अर्ली ऑफ 2010, मतलब 2010 के दशकों के टाइम पीरियड में, 2010 से लेके लगभग 2020 तक के टाइम पीरियड में अरब के अंदर बहुत सारे ऐसे विद्रोह हुए, और कहीं ना कहीं ये विद्रोह सशस्त्र विद्रोह भी थे, मतलब कहीं पे वेपन्स भी चले, कहीं पे मैं कह सकता हूँ एक तरीके से एक कंट्री में हुआ तो दूसरी कंट्री में भी होना चालू हो गया। इसकी शुरुआत जहाँ से हुई वो अरब कंट्री से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए इसे अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया। कोई कोई कहता है कि शायद से क्रांति अरब क्या कहते हैं स्प्रिंग के टाइम पीरियड पे हुआ था, इसलिए इसे अरब स्प्रिंग बोलते हैं। लोग अलग अलग तरीके से इसकी संज्ञा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस आप इतना याद रखना कि अरब स्प्रिंग एक ऐसा एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट है, मतलब जो वहाँ पे सरकारें चल रही है उस सरकार के विरोध में चलाया गया एक तरीके का मूवमेंट है जो वहाँ की जनता पसंद नहीं कर रही है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अरब के अंदर प्रो डेमोक्रेसी वाले जो लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लोकतंत्र को अच्छी तरीके से जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ है अरब के अंदर उसमें इस्टेब्लिश करने की सोच ली। कौन कौन सी? टूनेशिया है, मोरक्को है, सीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है और बहरीन है। तो ये बड़े पैमाने पर लोकतंत्र का समर्थन यहाँ पे होना चालू हो गया। कारण सिंपल सा यहाँ पे ये था कि वेस्टर्न मीडिया ने इसको 2011 में अरब स्प्रिंग का नाम तो दिया, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सरकार जो है ना उस समय की गवर्नमेंट के लिए वेलफेयर का काम नहीं कर रही है, वेलफेयर का काम नहीं कर रही है। अरब स्प्रिंग वाज अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ प्रोटेस्ट दैट लीड द चेंज इन गवर्नमेंट इन द कंट्री। द अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट वर डिवाइडेड बाय द ज्योग्राफिकल कॉन्स्टेंट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, दे ऑल बिगिन विद अ सिंगल एक्ट ऑफ डिफेंस। मतलब मेन बात है कि जैसे लीबिया के अंदर राजा जो है या सरकार जो है सही काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पे कोई और प्रोटेस्ट कर रहा है या कोई और मकसद हो सकता है। उसके बाद सीरिया के अंदर कोई और प्रॉब्लम होगी या उसका कोई और मकसद होगा, लेकिन सबकी कहानी बस यही है कि हर स्तर पर हर किसी जगह पे लोगों ने अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करी। मतलब डिफेंस बोले तो अपने आप की रक्षा तो करना है ना। हमारा आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 21 कहता है राइट टू लाइफ तो सभी के पास होना चाहिए। ऐसा देश जो अपने लोगों को जीने का अधिकार ही ना दे तो ऐसे देश में संविधान का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए इन कंट्री के अंदर भी सेम ऐसा था कि सरकार तो थी पर सरकार पूरी तरीके से राजनीतिक या लोकतांत्रिक नहीं थी। इसी वजह से जनता को एक गंभीर कदम उठाना पड़ा, उसके लिए इन्होंने कहीं ना कहीं कदम उठाए। अरब स्प्रिंग जब हुआ तो उस मूवमेंट के सबसे बड़े परिणाम बस यही हुए कि ज़्यादातर कंट्रियों के अंदर तानाशाह सरकारें ख़त्म हो गई। ज़्यादातर जैसे ही सरकार तानाशाही सरकार ख़त्म हुई तो उन कंट्री के अंदर आर्थिक मंदी जो है या इकोनॉमिक डिसबैलेंस बड़ा देखने को हमें मिला। उसके बाद समाज का बहिष्कार यानी कि सामाजिक एक्सक्लूजन हुआ, अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। ज़्यादातर ऐसा हुआ कि वहाँ पर गवर्नमेंट बनी लेकिन ज़्यादातर गुस्सैल या भ्रष्टाचार वाली। तो आइए पाठशाला चैनल के थ्रू पढ़ते हैं कि कहानी क्या थी। मोहम्मद बुजाजी जो है ये एक व्यक्ति था जो स्ट्रीट वेंडर था लीबिया के अंदर, टूनिशिया के अंदर। अगर आप देखें टूनिशिया इज़ अ कंट्री, लीबिया की छोटी सी एक कंट्री है टूनिशिया, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। दिसंबर 2010 में टूनिशिया की गली के अंदर एक स्ट्रीट वेंडर मोहम्मद बुजाजी जो है वो अपने आप को आग लगा लेता है। कारण सिंपल सा ये था कि भैया वो एक विक्रेता था, सड़क पर सब्जियां बेचा करता था और अपने क्या कहते हैं घर वालों के लिए लालन पालन करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत थी। आग उसने अपने आप को इसलिए लगा ली क्योंकि वहाँ पर सरकार ने एक तो लोगों को लाइसेंस नहीं दे रखा था, रोज़गार की व्यवस्था वैसी अच्छी नहीं थी, पुलिस आई सामान जब्त करके चली गई और उसके बाद उसके ठेले को वापस कराने के लिए भी उसको इतनी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी। तो उसने कहा ऐसी कंट्री के अंदर जहाँ पर एक छोटा सा व्यक्ति खाने कमाने के लिए सब्जी बेच रहा है और ऑफकोर्स उसको भी पुलिस वाले जब्त कर लेते हैं, हालांकि इंडिया के अंदर कितने केसेस देखने को हमें मिलते रहते हैं, तो मे बी शायद से क्रांति यहाँ पर ना हो जाए, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा ही हुआ था। उसने अपने आप को आग लगा ली और उसके विरोध में जितने भी लोग थे यार उन्होंने कहा कि ये तो नॉर्मल सी बात है और ऑफ कोर्स क्या कहते हैं सरकार ऐसा कैसे किसी का क्या कहते हैं ठेला है या जो स्ट्रीट वेंडर है उनको तंग कर रही है, या तो सरकार लाइसेंस दे लोगों को और प्रॉपर तरीके से वो दुकानें चला सके, पर यहाँ पे नहीं था। इसी वजह से हुआ ये कि इस व्यक्ति की आज़ादी के लिए इट लीड द स्ट्रीट प्रोटेस्ट इन द कैपिटल ऑफ टूनिस, वहाँ की जो क्या कहते हैं सड़क है या वहाँ की जो कैपिटल है टूनिशिया की
टूनिशिया की कैपिटल टूनिश करके है उसका नाम, वहाँ पे कैपिटल के अंदर पूरी कंट्री के लोग इकट्ठा हो गए। छोटी सी कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, छोटी सी बात बहुत जल्दी पहुँचती है। और ऑफ कोर्स यूट्यूब के ज़माने में, या मैं कह सकता हूँ कि आपके इंटरनेट मीडिया के ज़माने में, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी फैल भी जाती है। तो यहाँ ऐसी हुआ, यहाँ पे फाइनली क्या कहते हैं, सरकार जनता सामने आ गई, जनता ने पूरी कंट्री के अंदर माहौल मचा दिया आतंक का, बोले तो आंदोलन का। मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था यहाँ पे इन व्यक्ति की सरकार को गिराना। आप कह सकते हैं यहाँ पे बेन अली करके इनका नाम है, बहुत ही बड़ा नाम है, लेकिन द स्केल वॉज ऑफ द प्रोटेस्ट फोर्स्ड बाय द प्रेसिडेंट बेन अली एंड टू अबडिकेट फ्रॉम द पावर एंड फ्ली सऊदी अरेबिया आफ्टर रनिंग टूनिशिया फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। ये वही कंट्री है जो कभी यूएसएसआर के पार्ट में थी, और उसके बाद ये कंट्री के अंदर से ये व्यक्ति जो था 20 साल तक इसने राज करा, और उसके बाद इस व्यक्ति को सत्ता से हटा दिया गया, या इसको हटना पड़ा। कारण सिंपल सा है भाई, आप जब जब तक सत्ता में हैं और लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे, तो आपके होने ना होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे हुआ ये इसी वजह से, पहली बार 2011 के अंदर पूरी टूनिशिया के अंदर सही तरीके से क्या कहते हैं वहाँ पर फिर पार्लियामेंट बैठी, इलेक्शन हुआ और नई सरकारें बनी। तो यहाँ पे ये दिखाई देता है कि किस तरीके से जनता ने अपने आप को डिफेंस करने के लिए फाइनली वहाँ के सुप्रीम हेड को हटा दिया और नई सरकार वहाँ पे बना के दिखाई। तो ये एक जीत थी, मैं कह सकता हूँ, सभी लोगों ने, सामाजिक कर्ताओं ने, ज़मीनी स्तर पर घुस कर ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे भागीदारी दिखाई और सरकार के खिलाफ एक्शन हुआ, तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि इजिप्ट के अंदर भी ऐसे हुआ था सेम। इजिप्ट के अंदर भी कायरो करके एक जगह है, वहाँ पे हुआ। उसके बाद बहरीन के अंदर भी कुछ ऐसा ही प्रोटेस्ट हुआ। तो यहाँ पे लोगों ने कहा पहले टूनेशिया होगा, देन लिबिया होगा, देन मतलब सेकंड पे इजिप्ट होगा, देन लिबिया होगा। तो यहाँ पे भी कंट्री देख सकते हो, इजिप्ट के अंदर प्रेसिडेंट होनसी करके इनका नाम है। मैं अगेन कह रहा हूँ, आपको कहीं पे भी ये प्रॉपर डिटेल नहीं मिलेगी, मैंने बड़ी प्रॉपर डिटेल से इसको समझा है और इसको बनाने की कोशिश करी है। तो रक्षा मंत्री वहाँ के थे इजिप्ट के, उनको भी यहाँ से निकाल दिया गया सत्ता से, और ऑफ कोर्स वहाँ पे नए इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो हैं उनको चुना गया। उसके बाद आप ये दूसरी प्लेस देख सकते हो लीबिया की, लीबिया के अंदर मोहम्मद गद्दाफी करके एक व्यक्ति थे। ऑफ कोर्स लीबिया में काफ़ी लंबे समय से डिक्टेटरशिप चला रहे थे, और वहाँ पे ऑफ कोर्स सिविल वॉर हुआ, और गद्दाफी, इनका नाम तो वैसे ही बड़ा फेमस है, और इस व्यक्ति को उस टाइम पीरियड पे हिंसक रूप से लोगों ने मार दिया। कारण बस यही था कि जो अपने आप को कर्नल बोल रहा है, अपने आप को प्रेसिडेंट बोल रहा है, सत्ता को सही तरीके से चला रहा नहीं है, जनता के अधिकारों की बात नहीं हो रही, तो ये बहुत सारे कारण थे। तो आप देख सकते हो कि खराब स्थिति होने की वजह से जिन कंट्रियों के अंदर डेमोक्रेसी सही तरीके से नहीं होती है, वहाँ की कंट्री के लोग दूसरी जगह पे माइग्रेशन कर जाते हैं। और आपको ये पता है कि जहाँ पे राजनीतिक उथल पुथल होती है, तो वहाँ पे हिंसा, फूड वेल्थ, उसके बाद फूड शेल्टर, जो भी उनका हेल्थ होता है, वो सारी चीज़ें इश्यू होती है, दूसरी कंट्री के अंदर लोग चले जाते हैं। कारण आप क्या कहते हैं, किस्सा ले सकते हैं, कारण आप हिटलर के टाइम पीरियड का ले सकते हैं, जिसमें इतने बड़े साइंटिस्ट जो हैं आपके, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है उनका अभी, तो वो अपनी खुद की कंट्री को छोड़ के, जर्मनी की कंट्री को छोड़ के यूके चले गए थे। बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके। कारण क्या था, उन्हें पता है कि यहाँ पे जूश लोगों को क्या कहते हैं जर्मनी में मारा जा रहा है, तो हमें यहाँ रहने का फ़ायदा नहीं है। तो वो कहाँ चले गए, अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम था सॉरी उनका, याद आ गया मुझे, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो यूके चले गए। तो सोचिए, तो यहाँ पे भी सेम ऐसा हो रहा था कि लीबिया, उसके बाद टूनिशिया, ऐसी कंट्री में रहने की स्थिति नहीं थी, इसलिए लोगों को दूसरी जगह पे माइग्रेट करना पड़ रहा था। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में जब किसी कंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जब दूसरे लोग किसी दूसरी कंट्री के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम यूनिवर्सल सिटीजन तो कहते हैं, लेकिन इनके लिए सरकार ने अभी तक कुछ ऐसा कुछ नहीं करा है। सेम ऐसा ही सीरिया के अंदर हुआ, सीरिया के अंदर टर्की में, ग्रीस में, ऐसी बहुत जगहों पे फिर हमने इन चीज़ों को देखना चालू कर दिया। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको बता दिया, सरकार खत्म हुई, तख्ता पलट हुआ, उसके बाद नए शासन में सुधार आए, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होने चालू हो गए। इससे फ़ायदा ये हुआ अरब स्प्रिंग से कि इन्होंने लोगों को सिखा दिया कि क्रांति क्या होती है। अधिक जानकारी के लिए myepaathshala.com आपको ऐप मिल जाएगा, आप वीडियो पे क्या कहते हैं हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, और
आपको आई होप इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा नॉलेज में, क्योंकि मैंने क्या कहा एनसीईआरटी के अंदर पूरा कुछ नहीं दे रखा है। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलेंगे आप लोगों से, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिस इज इट इन दिस वीडियो।